गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का बायोस्फीयर एकेडमी में स्वागत है। मैं नीरज कुमार, आज हम जानेंगे व्हाट इज सेंट्रल डोगमा। जो टर्म सेंट्रल डोगमा है, इसकी खोज फ्रांसिस क्रिक ने किया था। उन्होंने देखा डीएनए जब आरएनए में चेंज होता है तो इस प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और वहीं आरएनए का प्रोटीन फॉर्मेशन ट्रांसलेशन कराता है, और यही प्रोटीन आपके जेनेटिक कैरेक्टर को शो करता है कि आपकी हाइट कैसी है, कितनी है, और आपके बाल कैसे हैं, और आपकी आंखें कैसी हैं, एक्सेट्रा। और जब डीएनए अपनी खुद की कॉपी करता है तो उस प्रक्रिया को हम रिप्लिकेशन या डुप्लिकेशन कहते हैं, और यह पूरी प्रक्रिया आपका सेंट्रल डोगमा कहलाता है। इस प्रकार हम आशा करते हैं आपको यह टर्म समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।